शिरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी महिला का मामला लेके आए हैं जो कि अपनी शादी के बाद 2 साल के बाद वो माँ बनी, पर उसके पति ने उसके बच्चे को अपनाने से मना कर दिया और यहाँ तक भी बोला कि अगर सुहागरात नहीं मनाई तो बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। चलिए हम आपको बताते हैं आखिरकार महिला का क्या कहना है, ये पूरी अपडेट कहाँ से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के बरेली से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर 2 साल पहले एक्चुअली में प्रेम नगर में रहने वाली एक महिला की शादी इजाजत नगर थाना क्षेत्र में हुई थी। उस दौरान ही वहां पर शादी हुई। शादी होने के बाद 1-2 दिन के बाद भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम चलने लग गई। 2 साल के बाद इस महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो जो लड़का है वो ये चीज बोलने लग गया कि मैंने महिला के साथ सुहागरात ही नहीं मनाई है तो ये बच्चा मेरा नहीं है। वहीं पर महिला से जब बात की गई तब महिला ने ये चीज बताया, शादी के बाद ही इसका परिवार और ये मुझे काफी ज्यादा बेइज्जत करते रहते थे, मेरी अभी कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। शादी के 2 दिन बाद एक्चुअली में जब शादी हुई थी तब इसने मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाई और उस दौरान में मैंने अपनी सास को बोला था और उसके बाद ये मेरे साथ नॉर्मली मेरे पति पत्नी के संबंध के साथ रहने लग गया और मेरी जो सास ससुर है उन्होंने इसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। हम दोनों किराए के मकान पे रहते थे और बार बार ये रात को दारू पी के आता था, मुझे मारता पीटता था और दहेज लेके आने के लिए बोलता था, गाड़ी पैसा सब चीजें लेके आने के लिए बोलता था। मेरे माँ बाप इतने ज्यादा अमीर नहीं है जो कि इसकी डिमांड को पूरा करते रहे, हालांकि अभी भी इज्जत को निछावर करने के लिए ये एक्चुअली में मेरे ऊपर ये ब्लेम लगा रहा है। इस दौरान ही जब बच्चा हुआ, बच्चा होने के कुछ दिन के बाद ही वो एक्चुअली में किराए का मकान छोड़ के अपने सास ससुर के पास चला गया, अपने माँ बाप के पास चला गया। वहां पर लड़की ने सोचा कि इस पूरे मैटर को सुलझा लिया जाए, वो अपने माता पिता के साथ वहां पर गई और उस मैटर को सुलझाने की कोशिश की, पर पति और उसके घर वाले इसको समझने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए इस लड़की ने काफी ज्यादा तंग आके मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी इस केस के ऊपर काफी ज्यादा सुनवाई हो रही है, दोनों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।